Alright, before starting this video, I would like to suggest a subscriber who commented very exotic. तो उन्होंने क्या कमेंट किया है? उन्होंने कमेंट किया है हमारी वीडियो पे कि जो हमने सेक्शन 9 के फायदे बताए थे ना हस्बैंड के साइड से, तो उन्होंने बोला है कमेंट करके कि महिलाओं के लिए बताओ सर, क्या ऐसे तो सारे लड़के सेक्शन 9 का फायदा उठाएंगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि भाई आपने हमें इस चीज के लिए मोटिवेट किया और एक आइडिया दिया. ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं वो सेक्शन 9 कैसे लगा के अपना फायदा उठा सकती हैं. ओके, तो आपने देखा होगा क्या होता है कि सपोज हस्बैंड है, वाइफ है. अब वाइफ अपने घर आ गई. ओके, अब हस्बैंड क्या करता है, उसको लेने ही नहीं आता, यानी कि उसको लेने ही नहीं आता. अब वाइफ की भी एक ईगो है कि भाई मैं क्यों जाऊं जब तक लेने ना आए. ओके, अगर आपका ऐसा नेचर है कि भाई मेरे को वो आए लेने, तब भी आप सेक्शन 9 अप्लाई कर सकते हो. तो वो कोर्ट के थ्रू वो हस्बैंड आपका खुद आएगा आपको लेने. ओके, अगर वो फुलफिल हो जाता है और उसकी अच्छी कंडीशन अप्लाई हो जाती है. तो नेक्स्ट आता है कि भाई ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जो हस्बैंड होता है ना, उसका ना उसकी फैमिली गिल्टी माइंड होती है. यानी कि जो वाइफ है, सपोज वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या करेंगे, उसके घर छोड़ाएंगे, बोल देंगे कि भी इसका खर्चा इसकी फैमिली उठाएगी और सारा कुछ वही करेंगे. ओके, और जब बेबी हो जाता है उसके बाद भी उसको लेने नहीं आते कुछ समय तक. तो ऐसे केस में भी आप सेक्शन 9 डाल सकते हो. अब वाइफ की सेक्शन 9 डालने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको ना एक होम की सिक्योरिटी मिलती है. आर गेटिंग होम की सिक्योरिटी कि भाई आप अपने शादी करके वहाँ पे आए हो, तो आपने शादी की है तो आपका वो घर बनता है. आर गेटिंग, तो आपको एक होम सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई कल को हस्बैंड आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता, या घर में जो भी सास, जो भी फैमिली रिलेटिव है हस्बैंड की, वो आपको बाहर नहीं निकाल सकते. नहीं, आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है केसों में कि भी सास बोलती है कि भाई तू इस घर में ना रहे वगैरह वगैरह. तो देखो भाई, आपने शादी की है एज ए वाइफ, तो आपका राइट बनता है उस घर में जाके रहने का. ओके, आपने साथ फेरे लिए हैं और आपने अपना घर छोड़ के उस घर में जा रहे हो, तो आपका बिल्कुल राइट है. यानी कि बिल्कुल राइट है, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि भाई यहाँ पे क्यों रह रही है. तो एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती है. अब सिक्योरिटी कैसे हो जाती है, जैसे आप सेक्शन 9 डालते हो, नोटिस जाता है, नोटिस जाता है तो हस्बैंड को पूछा जाता है भाई आप क्यों नहीं रखने चाह रहे. तो हस्बैंड मोस्टली केसेस में बोल देता है कि भाई मैं तो रखने जा रहा हूँ. तो जैसे ही वो बोलेगा कि मैं रखने चाह रहा हूँ, तो कोर्ट डिग्री पास कर देगा. ओके, हालांकि इसके लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होगा, यानी कि जो भी डेट आपको फिल करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको रियल फैक्ट, यानी कि मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ. ओके, तो क्या होगा, एक सिक्योरिटी हो जाएगी आपको उस घर में जाके रहने की. सपोज आपको लगता है कि भाई जो आपका हस्बैंड है वो किसी के अडल्ट्री के चक्कर में है, यानी कि उसका उद्देश्य है कि कहीं दूसरी शादी ना कर ले, तो इस केस में भी आप सेक्शन 9 डाल सकते हो. ओके, आप सेक्शन 9 डाल सकते हो उसको एक बाउंड करने के लिए कि हाँ भाई वो कोर्ट की नज़रों में आ गया कि भाई तूने सेक्शन 9 तेरे रिगार्डिंग डाला हुआ है, तो क्यों तू अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ क्यों नहीं रह रहा. ओके, तो वहाँ पे एक बाउंडेशन हो जाती है. नेक्स्ट आता है कि जैसे ही सेक्शन 9 डालता है ना, वो एक बाउंड हो जाता है मैरिज के लिए भी, यानी कि वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकता. आर गेटिंग, तो ये थे कुछ बेसिक बेनिफिट्स. अब कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं ना जो हम आपको पब्लिकली नहीं बता सकते. तो अगर आपका कुछ ऐसा डाउट है रिगार्डिंग इस चीज़ के, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो. ओके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है. अब टाइम की कमी नहीं है यहाँ पे, बात है किसी को वो कमेंट या फिर हमारी एडवाइस अच्छी ना लगे. आर यू गेटिंग? सो आई होप इट इज़ क्लियर.